जो टॉपिक है वो किस पे है? प्रोजेक्टाइल पे है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, आपको मैंने हैंड रिटन शीट दी थी, इसका फोटोकॉपी दिया हुआ है, तो ज़्यादातर पार्ट इसी का यूज़ होगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहो साथ साथ लिख भी सकते हो, उससे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी रहती है, क्योंकि स्पीड स्लो है या जो आराम आराम से लिखते हैं उनके लिए मैंने लिख दिया, अगर कोई स्टेप छूटता है तो एटलीस्ट आपके पास है क्या करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसके अंदर सपोज करें ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और मान लो इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है इसमें, बीटा। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है, इसके अंदर लिखने साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से लिख रहे हैं। सपोज करो यू वेलोसिटी से मैंने इसे किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, मैंने यू वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, इस वेलोसिटी का एंगल ग्राउंड के साथ कितना है, थीटा। इसका जो एंगल है वो ग्राउंड के साथ है थीटा, तो इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना है, थीटा माइनस बीटा। सही? तो ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा, यहां पे गिरेगा, इंक्लाइन प्लेन पे जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको हम क्या नाम देंगे, इसकी रेंज, और इंक्लाइन प्लेन पे वो कब गिरता है उसके टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मुझे ये दो चीजें निकालनी है, कितने टाइम पे वो हिट करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा क्या निकालना है, कितनी रेंज कवर करेगा। तो ये डायग्राम सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं ना बड़ी एक छोटी सी चीज बनाने वाला हूँ, कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट ध्यान से देख लेना, उसके बाद कुछ नहीं करना आपने, बस उसके बाद 2 मिनट का काम है। जो एनर्जी लगनी है इस टॉपिक में, बस ये पहले जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसी में लगनी है। ठीक? तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लेना प्लीज। सबसे पहली चीज, सपोज करो सेम क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि सर अभी तक जितने भी प्रोजेक्टाइल हमने किए उसमें हमने इसको कभी ग्राउंड माना ही नहीं, हमने ग्राउंड को तो हमेशा ऐसा ही माना। तो वो लोग इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं, वो कहते हैं इंक्लाइन इंक्लाइन कुछ नहीं है, बस ये देखो यू वेलोसिटी है और थीटा एंगल ग्राउंड के साथ है, बीटा कुछ नहीं है, ये टोटल एंगल कितना है, थीटा है। तो उनसे ये पूछा गया कि बताओ इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक यू कॉस थीटा और दूसरा यू साइन थीटा। वो ये मानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, वो ये मानते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है, कोई डाउट इसमें? सही है। लेकिन जो लोग इसे ग्राउंड मानते हैं, और मानना भी चाहिए क्योंकि अब हमारा ग्राउंड तो इंक्लाइन प्लेन है, तो जो लोग इंक्लाइन प्लेन को ग्राउंड मानते हैं तो कुछ ऐसे, तो वो लोग ये कहते हैं कि सपोज यू वेलोसिटी से आपने बॉल को फेंका और ये अब मेरा ग्राउंड है, तो ये एंगल कितना लिया जाएगा, थीटा माइनस बीटा। वो इसको नहीं देख रहे, वो इसको देख रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि बॉल क्योंकि ऐसे गई तो इस बॉल के वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इस तरफ, क्योंकि उनके लिए ग्राउंड तो ये है ही नहीं ना, उनके लिए ग्राउंड तो ये है, तो वो लोग ये बोलते हैं कि एक कंपोनेंट यू इंटू कॉस ऑफ कितना, थीटा माइनस बीटा, और एक यू इंटू साइन ऑफ कितना, थीटा माइनस। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? देखो अपने अपना जो है एक्सप्लेनेशन है, जो लोग ग्राउंड को नीचे मानते हैं वो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा में काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ग्राउंड को इंक्लाइंड प्लेन पे मानते हैं तो उनके लिए वेलोसिटी के कंपोनेंट सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उनका वेलोसिटी वेक्टर का एंगल इंक्लाइंड प्लेन के साथ थीटा नहीं है, थीटा माइनस बीटा है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है, तो अगर ये थीटा माइनस बीटा है तो यू के 2 कंपोनेंट्स होंगे, थीटा के साथ वाला एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है और परपेंडिकुलर साइन होता है। ये रूल सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहां तक? आराम आराम से चलेंगे, जो क्वेश्चन है साथ के साथ क्लियर करो। अभिषेक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ओके। अब जो लोग पुराना जो जैसे हम करते आए हैं इस केस को मानते हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो उनके लिए ये ओल्ड एक्स एक्सिस है, पुराने वाला है, और उनके लिए ये ओल्ड वाई एक्सिस है, राइट? लेकिन जो लोग इंक्लाइन प्लेन पे काम करते हैं उन लोगों के लिए
वो लोग कहते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, लेकिन ये एक्स एक्सिस हमारा नया एक्स एक्सिस है, और हमारा जो नया वाई एक्सिस है वो ये नया वाई एक्सिस है। ये समझ में आ रहा है? उनके लिए ये एक्स और वाई है, पुराने वालों के लिए ये एक्स और वाई था, और एक्स और वाई एक्सिस हमने चेंज कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इनके लिए ये ओल्ड एक्स और वाई है, तो ये न्यू एक्स एक्सिस है और ये न्यू वाई एक्सिस है। ये रूल क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देख लो इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि अभी तक तो हम पुराने एक्स एक्सिस और पुराने के साथ काम करते हैं, अब हम नए के साथ काम करेंगे। देख लो एकदम क्लियर, लिखना साथ साथ लिखते जाओ प्लीज। न्यू और ओल्ड लिख लेना, क्योंकि मैंने जो शीट दिया उसमें न्यू और ओल्ड मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी की बुक है, उसमें स्टार्टिंग फिजिकल वर्ड से स्टार्ट है, उसमें पैरलेक्स मेथड करके एक छोटी सी टेक्निक है, और वो चैप्टर हम करते नहीं क्योंकि किसी कंपटीशन में भी नहीं आता, और प्लस वन के अंदर भी सिर्फ अभी ये जो एग्जाम होंगे वो भी कई कई स्कूलों में आएगा जो करवा रहे हैं, बाकी तो वो देंगे भी नहीं। दो नंबर का क्वेश्चन आएगा फाइनल में या कभी भी नहीं आएगा इसके बाद। तो उन लोगों के लिए एक रिकॉर्डिंग है, वो पेंड्राइव में लेके जाएंगे, 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, तो वो लोग उस रिकॉर्डिंग को एक बार सुन लेंगे, या मैं उसको यूट्यूब पे, जैसे प्लस टू के लिए हम करते हैं, प्लस टू पे हमने चैनल बनाया हुआ है, तो वो उसको हम अपलोड कर दे, मैं अपलोड कर देता हूँ और व्हाट्सएप के ग्रुप पे लिंक दे देता हूँ, तो जिसने वो सुनना होगा वो आराम से उसको सुनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पेनड्राइव ले आना, जिस जिसके स्कूल में करवा रहे हैं पेनड्राइव में सुन लेगा, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है करने की, ये जरूरत नहीं है। टीचर से पूछ लेना स्कूल के, करना है कि नहीं करना, बस ठीक, ऑप्शनल टॉपिक है वो, ठीक है ना? तो ले जाना मुझसे पेनड्राइव में। ओके नेक्स्ट करें स्टार्ट। अब देखो पुराने स्टूडेंट से पूछते हैं जो पुराने एक्सिस के हिसाब से काम करता है, ये रहा। इससे ये पूछो कि एक्सेलरेशन के बारे में बता। एक्सेलरेशन इससे पूछा गया कि जब तेरा प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जाएगा तो बता एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितनी है, बोलो कितनी है? जीरो। वो कहेगा देखो हमने इस केस में कभी एक्सेलरेशन ली नहीं, और हमने हमेशा क्या माना, वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। और अगर मान लो उससे ये पूछा गया कि बता वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन बता, तो वो क्या बोलता है कि जब ये बॉल ऊपर जाती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां एक्ट करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसे किया हमने, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये तो पुराना केस हो गया। अब इस स्टूडेंट से पूछें कि ये क्या सोचता है। ये अब ऐसे सोचता है कि यहां पर ये यू इन टू कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा है। देखो वो ये सोचता है कि सपोज क्योंकि इंक्लाइन प्लेन था, मैं यहां ड्रॉ करता हूं प्लीज, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन था और इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है बेटा, तो वो ये सोचता है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड एक्ट करती है, और अगर मैं इसको एक लाइन को यहां एक्सटेंड करूं तो अगर ये बीटा तो ये वाला एंगल भी क्या लेना पड़ेगा बेटा, जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है वही एंगल लेना पड़ता है बीटा को। डाउट इसमें? ठीक, यहां तक क्लियर है? बीटा बीटा क्लियर है? ठीक है। इस जी के, जी इज अ वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, जी इंटू कॉस ऑफ बीटा और दूसरा इस तरफ जी इंटू साइन ऑफ, आपकी हैंड रिटन में मैंने इस डायग्राम को ऊपर बनाया है, हार्डली मैटर, वेक्टर को यहां बनाओ या यहां बनाओ कोई फर्क नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये मैंने कॉम्पोनेंट अभी बना के दिखाई इंक्लाइन प्लेन पे कैसे बनते हैं। तो एक्सेलरेशन के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक जी कॉस बीटा एक जी साइन बीटा। क्लियर है यहां तक? अब इस स्टूडेंट से ये पूछते हैं कि तेरे को एक्सेलेरेशन कैसे दिखती है नए एक्स में और वाई में। तो मैं काम करता हूं इन दोनों को, जी कॉस बीटा ऑब्वियसली कहां ऐड करेगा, इस तरफ जी इंटू कॉस ऑफ बीटा, और इस तरफ क्या ऐड कर रहा था, जी साइन बीटा। तो
तो मैंने दोनों के दोनों कंपोनेंट इसकी जगह यहां बना लिया, एक ही बात है, कोई डाउट इसमें? एक ही बात है, वहां बनाया, सेम डायग्राम में तो चल रहा है ये, राइट? क्लियर है? ठीक है, अब अगर आप इस स्टूडेंट से पूछो कि तू नए एक्सिस के हिसाब से आंसर दियो, और नए एक्सिस के हिसाब से तेरे को एक्स एक्सिस पर, नए एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन दिखती है, तो वो आंसर बोलेगा बिल्कुल दिखती है, जीरो नहीं है। तो आप लोगों को क्या दिखती है नए एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन? जी, और उसकी डायरेक्शन कहां दिखती है? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव न्यू एक्स एक्सिस, राइट? क्लियर है यहां तक? दिख रहे हैं? तो एक्सेलरेशन इसमें जीरो नहीं होगी, इंक्लाइन प्लेन के अबाउट एक्सेलरेशन बिल्कुल भी जीरो नहीं है। कितनी है? जी साइन बीटा इस तरफ। और वाई एक्सिस देखें, ये इसका नया वाई एक्सिस है, ये रहा, नए वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन दिख रही है, बोलो जी नहीं है, कितनी? जी कॉस बीटा, लेकिन उल्टी तरफ, टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या ये स्टेप समझ में आया? बोलो फिर से, फिर से इधर आओ। इसमें ग्राउंड ये रहा, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती, तो पुराने केस में एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग जीरो और वाई के लॉन्ग माइनस जी या जी जो भी है, राइट? इसमें साफ पता लग रहा है जी के दो कंपोनेंट्स ले लिए। नए एक्स एक्सिस पर क्या आपको जी का कोई हिस्सा दिख रहा है? दिख रहा है, जी साइन बीटा दिख रहा है। तो एक्सेलरेशन इसमें है कितनी? जी साइन, अगर जी बिल्कुल ना होता फिर हम बोलते कि नहीं है, पर आपको एक कॉम्पोनेंट दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन का एक कॉम्पोनेंट जी साइन बीटा कहां ऐड कर रहा है? नए एक्स एक्सिस पर, कोई डाउट इसमें? और एक्सेलरेशन का एक और कंपोनेंट कहां ऐड करता है? वाई एक्सिस पर, आपके सामने ही है, ये इसके पैरेलल है वैसे तो नए वाई एक्सिस पर। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस स्टूडेंट के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कंपोनेंट एक्स में है, ये रहा, और एक कंपोनेंट वाई में। ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? अब मेरे को एक स्टूडेंट दूसरे बैच में यह पूछ रहा था कि ये तो दो दो आंसर हो गए। मैंने पूछा वो कैसे? वो कहता देखो मैंने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, ठीक, ऊपर फेंका, और जैसे ही ऊपर फेंका तो इंक्लाइन प्लेन था उस टाइम, ठीक था, तो उसने मेरे से पूछा सर आपको एक्सेलरेशन दिख रही है इस तरफ? मैंने कहा हाँ जी साइन बीटा दिख रही है, राइट? जैसे उसने बॉल को फेंका, वो कहता मैंने इंक्लाइन प्लेन उठा के बाहर फेंक दिया, अब बॉल हवा में है, वो पूछते हैं कि अब आप एक्सेलरेशन क्या लोगे? इंक्लाइन प्लेन तो है नहीं, तो वो कहता है कि अब आप एक्सेलरेशन जी लोगे या अभी भी जी साइन बीटा लोगे, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन तो मैंने फटाफट हटा दिया वहां से। तो देखो, और दूसरा क्वेश्चन से ये पूछा कि दो दो ये एक्सेलरेशन चेंज कैसे हो गई, जब जी चली तो रहा था, अब ये कॉम्पोनेंट्स बनाने की कहां से बात आ गई? देखो मैं इन चीजों के आंसर देता हूं। सपोज एक स्टूडेंट है, इसको मैंने फ्री फॉल में घेर दिया, तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? जी, कहां? नीचे। मैंने उसको भी साथ में फेंक दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? जी, कहां? नीचे। आपने इससे पूछा कि तू बता कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, तो वो क्या कहेगा? जीरो। दोनों इकट्ठे गिर रहे हैं, दोनों को ऐसा लग रहा है कि दोनों मूव नहीं कर रहे, रेस्ट पे हैं, राइट? लेकिन जब हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हमने दोनों का आंसर क्या बोला? जी। ये सारी गेम पॉइंट ऑफ रेफरेंस की है, आप किसको रेफरेंस मान के अपना आंसर देते हो। तो जो भी एक्सेलरेशन की चीजें हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक आने वाला है, जो अगला लेक्चर न्यूटन का लॉ हम स्टार्ट करेंगे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही स्टार्ट है। तो आप अपना आंसर इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से देते हो या आप अपना आंसर ग्राउंड के रेफरेंस में देते हो, दोनों आंसर एब्सोल्यूटली करेक्ट है। हाँ, देखने का नजरिया हर किसी का फिर डिफरेंट है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर आप अपना क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से देना चाहते हो, फिर आप बोलेंगे कि हाँ इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से मेरे को एक्स में एक्सेलरेशन दिखती है। लेकिन अगर आप ग्राउंड के हिसाब से बोलेंगे, फिर आप कभी नहीं बोलेंगे, फिर आप ये बोलेंगे कि मेरे को एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं दिखती। तो चाहे आप अपनी कैलकुलेशन ग्राउंड को मान के कर लें, चाहे आप अपनी कैलकुलेशन इंक्लाइन प्लेन को मान के कर लें, दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आएंगे, जो मैं अभी करने वाला हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसीलिए कोई ये ना कहे कि एक्सेलरेशन चेंज हो गई, नहीं, चेंज नहीं हुई, वो हमने जो ग्राउंड लिया, हमने अपना एक्सिस ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया। हमारा एक्सिस अब ग्राउंड नहीं है, हमारा एक्सिस अब टेढ़ा है, तो एक्सेलरेशन भी हमें कॉम्पोनेंट्स में लेनी पड़ेगी।
यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछे, ठीक है यहां तक। और अगर मैं एक स्टेप और लिखूं इसमें कि इंक्लाइन प्लेन के अबाउट, यहां पे सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के अबाउट न्यू एक्सिस, प्लीज ये मैं न्यू एक्सिस हेडिंग डाल रहा हूं, नए एक्सिस के हिसाब से आंसर देना, और नए एक्सिस का मतलब इंक्लाइन प्लेन को मान के आंसर देना, ग्राउंड को मान के आंसर नहीं देना। बताओ नए एक्स एक्सिस में या नए एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग कितनी है? नहीं नहीं माइनस नहीं, माइनस नहीं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और वेलोसिटी वेक्टर भी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये वेक्टर वेलोसिटी का तो ऐसे जा रहा है ना, राइट, ये राइट जा रहा है ना, तो नेगेटिव नहीं होगी, ये क्या होगी पॉजिटिव, राइट। तो यहां पर क्या होगा, यू इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस, क्या स्टेप समझ में आ रहा है? जो ये स्टूडेंट आंसर देगा वो आंसर देगा कि मेरे को वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग इतनी दिखती है। उससे ये पूछोगे कि बता इनिशियल वेलोसिटी तेरे को वाई एक्सिस में कितनी दिखती है, तो वो क्या आंसर देगा, यू इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा, साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा। ये स्टेप क्लियर है, ठीक। लेकिन इससे अगर पूछोगे तेरे को एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इनिशियल क्या दिखती है, तो आंसर क्या बोलेगा, यू कॉस थीटा, और वाई में क्या, यू, देखने का नजर ही है, हर कोई अपने एक्सिस के हिसाब से देख रहा है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अच्छा, इस स्टूडेंट से पूछो कि तेरे को एक्स में एक्सेलेरेशन क्या दिखती है, हाँ, क्योंकि अब ये उसको दिखता क्या है, जी साइन बीटा। डायग्राम के अंदर तो एरो बन गया, एरो ये शो कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप वैल्यू लिखते हो तो वैल्यू के अंदर जी साइन बीटा तो सही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो साइन क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ है और हमारी बॉल कहां जा रही है, इसके ऑपोजिट। तो वैसे भी अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और बॉल कहां जाए, ऊपर, हम बोलते हैं माइनस जी। तो इसमें भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरी तरफ है एक्स के अलोंग और मेरी बॉल कहां जा रही है, इस तरफ, तो माइनस साइन। पॉइंट समझ में आ रहा है? और हम डायग्राम में कभी भी माइनस नहीं लगाते, डायग्राम में हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वेक्टर इटसेल्फ ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन इस तरफ है, और इसमें माइनस ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। उसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं कि तेरे को वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन क्या दिखती है, तो वो आंसर क्या बोलेगा, जी कॉस बीटा। क्या वो पॉजिटिव एक्सिस में दिखती है? नहीं, ऑपोजिट दिखती है, तो साइन फिर से क्या आएगा, माइनस। क्या ये स्टेप समझ में आया? पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि कैसे? अब आप मेरी हैंड रिटन शीट जो मैंने दी, उस डायग्राम के नीचे चार लाइनें लिखी हुई हैं, वो ये लिखी हुई हैं, चेक करो, साथ साथ ओपन कर लो प्लीज, ये लिखा हुआ है, ओके। तो डायग्राम देख के ये चार इक्वेशन समझ में आई कि कैसे लिखी हैं, ठीक है। यू नए एक्स इसके ऊपर लिख लेना, न्यू एक्स एक्सिस और न्यू वाई एक्सिस के ऊपर है ये सारा, ये जो मैंने असाइनमेंट लिखी हुई है उस पर लिखा नहीं है, पर ये नए एक्सिस के हिसाब से चल रहा है सारा क्वेश्चन। नए एक्स और वाई में क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हमने जो रेंज निकालनी है वो नए एक्स और वाई में निकालनी है, हमने तो इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, हमने ग्राउंड का क्या लेना। अब क्या ये स्टेप क्लियर है? यहां तक किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पहले पूछ ले, क्योंकि मैं बोर्ड मिटाने वाला हूं। अब आएगा ग्राउंड से आंसर, मैं उसको भी यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। वो कह रही है कि ग्राउंड को यूज नहीं करोगे, मैं उसको भी यूज करूंगा, मैं इंक्लाइन प्लेन को भी यूज करूंगा, दोनों के रिजल्ट्स को मर्ज करूंगा तो आंसर आएगा, अभी देखना। अब उसकी आपको बनाना आ गया, वो कैसे करूंगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि ग्राउंड के साथ अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगी तो मेरे आंसर गलत आएंगे, नहीं आएंगे, सही आएंगे, बस आपकी एक प्रॉब्लम है, आप जब ग्राउंड के हिसाब से काम करेंगे ना, देखो एक चीज समझ लो, जो लोग ग्राउंड के हिसाब से काम करेंगे, देखो अगर मैं ये कहूंगा कि मेरा प्रोजेक्टाइल यहां गिरा, तो ग्राउंड वाले जो ग्राउंड को मानते हैं वो ये बोलेंगे मेरी डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गई एक्स एक्सिस में, वो आर नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या माना, अपना एक्सिस ग्राउंड मान लिया। अब ग्राउंड को देखते हुए आर तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ये बोलेंगे कि अगर मेरा प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया तो मेरी एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई एक्स, और वाई एक्सिस में कितनी हो गई वाई, राइट, क्लियर है यहां तक। हाँ, एक तरीका जरूर था, अगर आप ग्राउंड को काम करना चाहते हो ग्राउंड से, आप एक्स अलग निकालो वाई अलग निकालो, पाइथागोरस लगा के आर निकाल लेना, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली क्या आएगी,
आर आई की, हाँ वो एक तरीका है, पर मैंने उसको यूज नहीं किया अपने असाइनमेंट में। तो ये तो वो तरीका बता रहा हूं जो लोग नए एक्सिस में शिफ्ट होना नहीं चाहते, राइट? लेकिन जो नए एक्सिस में शिफ्ट होंगे वो एक्स और वाई नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे कि सपोज मैंने बॉल को नए एक्सिस में यहां फेंका तो मेरे एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, सीधा आर, तो मैं सीधा आर ही निकाल दूंगा, वो ज्यादा आसान है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ग्राउंड वाले स्टूडेंट ये बोलेंगे कि मेरे एक्स में डिस्टेंस कितना है, एक्स, जो ग्राउंड के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन नए इंक्लाइन प्लेन पे एक्सिस पे जो काम कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी बोलेगा, आर। देखो ना, ये नया एक्स एक्सिस है ना, नया, उसके हिसाब से, तो उस स्टूडेंट के हिसाब से नए एक्स एक्सिस पे ग्राउंड का डिस्टेंस ये है तो आर बोलेगा। लेकिन पुराने एक्स एक्सिस के हिसाब से, ये रहा पुराना एक्सिस, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स। तो जो लोग इसको रेफरेंस मान रहे हैं वो एक्स बोल देंगे, जो इसको रेफरेंस मान रहे हैं वो आर बोलेंगे। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये आपकी मर्जी है आप किसको रेफरेंस मानते हो। मैं फिर कह रहा हूं दोनों बिल्कुल सही आंसर देंगे, बट मैं वो मेथड चूज करूंगा जो जो आसान आंसर देगा, जल्दी आंसर देगा। और वैसे भी आपको एक्सिस शिफ्ट करना तो सिखाना ही था, और ये बेस्ट एग्जांपल एक्सिस को कैसे शिफ्ट करना है, ठीक है ना? नहीं तो आपको ऐसा कोई, ऐसे तो कोई तरीका है नहीं कैसे सिखाऊं। सिखा भी दूंगा तो फिर आगे करूंगा क्या, कुछ भी नहीं। अब एटलीस्ट आप यूज कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि अगर एक्सिस को शिफ्ट करते हैं तो सारे वेलोसिटी के कंपोनेंट भी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट भी साथ के साथ शिफ्ट करने पड़ते हैं, और वो कैसे करने पड़ते हैं आपको इससे आइडिया पता लग रहा है, राइट? और आपको ये कोई भी लिखवा के नहीं देखेगा, ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स इट। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो या किसी के लिए नहीं कर रहे हो, कोई नहीं पूछने वाला कि ये कैसे किया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछना है आप प्लीज पूछ सकते हो। अभिषेक क्लियर है? पीछे सौरभ, ठीक। देखो करें स्टार्ट आगे। देखो सपोज करो अब हम नए एक्स एक्सिस पे इक्वेशन लगाएंगे, देखो मैं हेडिंग डाल रहा हूं न्यू एक्सिस, रादर न्यू एक्सिस में मुझे डालना चाहिए न्यू वाई एक्सिस, राइट? न्यू वाई एक्सिस आपको यहां कहां दिखेगा, ये दिखेगा, और न्यू एक्स एक्सिस ये दिखेगा। नए वाई एक्सिस को देखना, जब मैं बोलता हूं नया वाई एक्सिस तो दो मिनट के लिए एक्स इसको भूल जाओ प्लीज, नहीं देखना, ठीक है? ये बताओ नए एक्सिस में यहां से यहां आने में ये प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेता है, टी, सही है? अच्छा ये बताओ टी टाइम में, चलो ऐसे पूछते हैं, टी टाइम पूरा हो गया, टी टाइम में इस प्रोजेक्टाइल में एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, आर, आर किया। अच्छा बताओ टी टाइम में, टी टाइम में इस बॉडी ने वाई में कितना डिस्टेंस कवर किया, जीरो। टी टाइम में बॉडी ने वाई में कितना डिस्टेंस कवर किया, जीरो। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? एक बार देखो प्लीज, ठीक है? अच्छा देखो नए वाई एक्सिस में देखते हैं, अभी बात हो रही थी नए वाई एक्सिस में बॉडी कहां से चलती है, यहां पे नए वाई एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पे जीरो। अच्छा यहां पर भी वो हिट एक्स एक्सिस को करती है तो वाई कोऑर्डिनेट फिर से क्या हो जाता है, जीरो। क्या मैं ये बोल सकता हूं इन टाइम कैपिटल टी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, कौन सा एक्सिस चल रहा है, नया वाई एक्सिस। नए वाई एक्सिस में बोलो एक्सेलरेशन नए वाई एक्सिस की कितनी है, अभी लिखवाई थी मैंने शायद, कितनी, माइनस जी कॉस ऑफ, यही थी, सीधा यूज कर लें इसे, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अच्छा अभी कितना, अच्छा बीटा ये, अच्छा ठीक है, अभी लिखवाया था वो चार वैल्यूज जो उसमें, यही है, ठीक है। अच्छा एक काम करें, नए वाई एक्सिस में हम पुट करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एस की जगह
जीरो, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट कैपिटल टी टाइम में वाई एक्सिस में क्या हो जाती है, जीरो, ठीक, इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस में बताना, यू ऑफ वाई कितना था माइनस यू इंटू साइन ऑफ, यही था ना, ओके, माइनस नहीं था, नहीं था, ओके, तो u ऑफ y की जगह कितना था u इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा, और टाइम कितना कैपिटल t, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह माइनस g cos बीटा इंटू t का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, यहां से कैपिटल t कैंसल, ये टर्म इस तरफ चली जाएगी, तो आपके पास आएगा u इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू g कॉस बीटा बाय टू इंटू कैपिटल टी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा माइनस बीटा बाय जी इंटू कॉस ऑफ, ये लो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका, पॉइंट समझ में आ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कैसे आएगी, कोई डाउट इसमें, क्योंकि नए वाई एक्सिस में नया एक्स एक्सिस ये रहा, नया वाई एक्सिस ये रहा टेढ़ा है, जब बॉडी यहां से चली तो बोलो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, टी टाइम के बाद फिर से नया कोऑर्डिनेट वाई कितना है, जीरो किया ही, मतलब की फिर जीरो कर ली उसने, तो नेट कितनी हो गई फाइनली, जीरो, फाइनली टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी दिख रही है, जीरो दिख रही है ना, ठीक, क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक, तो अगर मैं ये प्रूफ ना करवाता तो भी चलता, क्योंकि आपसे कोई लिखवा के तो देख नहीं रहा, आपका काम ऑब्जेक्टिव में चल जाता अगर आप सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट यूज कर लेते, ठीक, लेकिन जो लोग अब आगे एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं वो यहां से उनके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट होंगे कैसे, उनको क्वेश्चंस आएंगे, मान लो देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन, देयर इज वन मोर इंक्लाइन प्लेन, किसी ने बॉल को यहां से फेंका किसी एंगल पर और वो बॉल प्रोजेक्टाइल की तरह यहां हिट करती है, निकाल लो टाइम कितनी टाइम में हिट करती है, लगा लो जो फॉर्मूला लगाना है, बनेगा ही नहीं, आपको इसको एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा, ये वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, इसको y एक्सिस, इसके अलॉन्ग एक्सलेशन अलग बनानी पड़ेंगी, इसके अलॉन्ग अलग, वो उन लोगों का काम है जो आगे जाना चाहते हैं, जो मेन नीड तक है तो ठीक है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट याद करें अपना आगे निकलें, तो वो इतने चक्कर में ना पड़े, तो जो मेन और नीड तक है वो सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट याद कर ले, उनका काम चल जाएगा, इससे ऊपर क्वेश्चन ये भी नहीं आता, मैं तो कहता हूँ बहुत कम है, आएगा तो मेडिकल में, मैंने यार नॉन मेडिकल में से क्वेश्चन देखा हुआ है, मुझे पता नहीं, सीधा मार्क करो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, बस वो आंसर है, इनको फॉर्मूला याद है, बस वो काम चल जाता है, ठीक है यहां तक, तो ये सिर्फ इसलिए बताया कि एटलीस्ट कल को अगर ये क्वेश्चन नहीं है उसी का कोई मॉडिफाइड वर्जन कुछ पूछ लें, एटलीस्ट आपको पता है कि आपको कैसे करना है, बस इसलिए, पॉइंट्स को समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे किया आपने सॉल्व इसे, ठीक है, और अब हमने क्या निकालनी है इसकी रेंज, इसके ऊपर ना रेंज के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, अगर आएगा तो रेंज के ऊपर सीधा फॉर्मूला आएगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं इसका मेथड बता देता हूं आपको और एंड में फॉर्मूला बताऊंगा इसका क्या फॉर्मूला है, तब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब असाइनमेंट से काम चली जाएगा हमारा, बस एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है जो मैं करने जा रहा हूं, यहां तक क्लियर है, पहले देख लो टाइम ऑफ फ्लाइट तक क्लियर, ओके देखो, ठीक है चेतना, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे चाहिए होगा, मैं दो मिनट इसको साइड पे लिख लेता हूँ, ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, अब मुझे निकालनी है रेंज, तो रेंज डायग्राम में सबको दिख रही है, रेंज की वैल्यू क्या है, ये आर, कोई डाउट इसमें, दिस इज आर, राइट, देखो मेरे को सिर्फ एक चीज़ बताओ कि जो लोग ग्राउंड को रेफरेंस मानते थे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के हिसाब से उन लोगों से अगर ये पूछा जाए कि कैपिटल टी
टाइम में इस प्रोजेक्टाइल ने कितनी एक्स में डिस्प्लेसमेंट कवर की, कौन सा एक्स पूछ रहा हूं मैं, ओल्ड एक्स है, तो वो अपना आंसर क्या देंगे, एक्स, वो आर नहीं देंगे, वो एक्स देंगे। और उसी टाइम में नए एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हो गई, आर, सेम टाइम में हुई। और मुझे पता है इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, बीटा। मुझे एक चीज बताओ कि इसमें कॉस बीटा, अगर मैं पुराने और नए में रिलेशन निकालूं तो कॉस बीटा किसके इक्वल है, एक्स बाय आर, तो आर किसके इक्वल है, एक्स डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, तो आर की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपको x की वैल्यू बता दूं, उस x को आप यहां पुट करना, क्या आ जाएगी आपके पास, रेंज आ जाएगी, ठीक। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू के लिए ये कौन सा x है, नए x का कि पुराने x एक्सिस का, पुराने का है ना, तो क्या मैं एक डायग्राम ऐसा बनाऊं जिसमें u वेलोसिटी है और थीटा एंगल था, तो प्रोजेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर यहाँ पर जाके हिट करती थी बॉल, इंक्लाइन प्लेन हटा दिया, बस यही बना दिया, सफिशिएंट है। तो ये बताओ कि इस केस में बॉडी ने एक्स डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, टी, और ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी एक्स में क्या होती है, यू कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या होती है, यू, मानते हो, पुराने क्वेश्चन में आ जाओ जैसे हम पिछली क्लास एंड बियॉन्ड करते जा रहे थे। ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक अगर ओल्ड एक्स एक्सिस में इक्वेशन लगाई जाए तो ओल्ड एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हमेशा क्या पाई जाती है, कांस्टेंट, क्यों एक्सलेशन नहीं होती, और इक्वेशन क्या लगती है हमेशा, एस इज इक्वल टू वी टी, एस की जगह यहां पर क्या आएगा, एक्स, वेलोसिटी की जगह यू कॉस, और कितनी देर में कवर हुई, टी, मैंने एक्स निकाल दिया, और टी तो मुझे पता ही है, तो यू इन टू कॉस ऑफ थीटा, इस टी को नीचे से ऊपर पुट कर रहा हूं, 2u sin of theta minus beta divided by g cos beta, ये लो पुट कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि x की वैल्यू कैसे आई, मतलब पुराने x एक्सिस से मैंने क्या किया, s is equal to vt लगवा लिया और वहाँ से सीधा x आ गया, ठीक है यहाँ तक। ये जो भी x की वैल्यू आई, ये जो भी x की वैल्यू आई उसको हम यहां पे पुट करने वाले हैं, तो रेंज की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ